अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब हैरे से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले ईद मुबारक। तो आज ईद का पहला दिन है, तो रात को जो है ना बहुत कंफ्यूजन थी कि ईद होगी या नहीं होगी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट ऐलान हुआ है कि सुबह ईद है। तो फवाद चौधरी साहब ने तो दिन को ही सुबह एक दिन पहले बता दिया था कि ईद होगी, 29 रोजे होंगे, लेकिन जो है ना मौलवी वगैरह वो नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि ईद के रोजे जो हैं वो 30 पूरे होंगे या चांद देख कर ईद होगी। तो इसलिए फिर रात को लेट ही जो है ना पता चला कि सुबह ईद है। और इसके जब पता चला तो मैंने फिर बहुत हेयर कटिंग भी करवाई है रात को ही। तो तकरीबन सुबह 5 हो गए थे उधर बैठे बैठे, फिर जाके मेरी हेयर कटिंग हुई है। फिर अभी 1-2 का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर पहले मैं शॉप पे आया हूँ, तो सोया हुआ था, तो उठा हूँ अभी, नहा धो के शॉप पे आ गया हूँ। तो दिन बस ऐसे ही गुजर गया है, सो गई। और इधर मेरे पास बैठे हैं सफियान साहब। ईद मुबारक साहब। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो बाकी अब जो जो आए तो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। और जो है ना अब आशर भाई भी आए, हो सकता है उनके साथ असलान भाई के घर जाऊँ। तो बॉय देख सकते हैं कि कितनी धूप है, गर्मी आज ये तकरीबन आज भी काफ़ी गर्मी है आज। ये मेरे कस्टमर जी दूर से आते हैं, तो ये पक्के मेरे कस्टमर हैं। तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। और कैसी गुजरी ईद? अच्छी। घर ही थे या कहीं पे गए थे? घर ही थे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, उसे के ठीक है, ईद फसल आज गुजरी है। अल्लाह का शुक्र जबरदस्त। तो सुनाओ ईद कैसी गुजरी? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। हेलो, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे और एजाज भाई की तरफ से दिल की ताक रही से ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इस्लाम को दिली ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, तमाम भाइयों को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हूँ। और हमारी जो ईद है अब दुकान पे गुजरी ऐसे ही। तो ये देखें, फरहान भाई, इजाज़ भाई आए हैं, इधर लूडो लगाई है इन्होंने। तो ये जैसे ये लूडो स्टार्ट में होती है, जैसे वैसे ही खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं शुगरली से ही तो खेल रहे हैं। फिर गैन वैस लगाई है इन्होंने। तो कूलर में पानी डाला है मैंने अभी, तो हाथ में भी साथ हो जाए, गर्मी थी काफ़ी, इसलिए हाथ में भी हो गई। जी तो मैं जो है ना आशर भाई जो आ गए थे, असलाम भाई के घर जाना था, तो इनको देखा कि हवेली में है, तो मैं इधर ही आ गया हूँ। तो आशर भाई मेरे पास करें एक बार। आशर भाई, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद तो जो है वो इस दफ़ा बड़ी सादगी से ही हम गुजार रहे हैं। हम तो हर ईद पर घूमने फिरने जाते हैं उस्मान और असलान भाई के साथ, लेकिन इस दफ़ा हम भी घर पे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हिफाजत के पेश नज़र आप सब भी घरों में ही रहें, क्योंकि इस जो कोरोना से बचने का एक ही तरीका है वो है एहतियात। बिल्कुल। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका जो है इस बीमारी से अपनी हिफाजत में रखे। तो अभी असलान भाई भी ये मेरा ससुराल से होके आए हैं, लेकिन ये काफ़ी सख्ती है यहाँ पर भी, पुलिस वगैरह पुलिस वाले जो जगह जगह रोकते हैं। चलिए, मैं भी व्यूअर से हाय लो हाय कर देता हूँ, ईद मुबारक जी एवरीवन। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। तो अभी हम जाएंगे हमारे जो दोस्त हैं मशहूर ना था मुनव्वर साहब उनकी तरफ, तो इंशाल्लाह फिर हम अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे। आज का व्लॉग हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बिल्कुल आशर भाई की बात सुनिए, तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।